अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी अभी मैं आ गई थी यहाँ पर अपने जो डॉक्टर हैं, मेरे स्किन के ही डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर बदर धनानी। ये डिफेंस में बैठते हैं, डिफेंस के DHA क्लिनिक्स में और भी एक दो जगह पर ये बैठते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप लोगों को भी कोई स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इनसे ज़रूर कंसर्न कर सकते हैं, अगर आप कराची में रहते हैं तो। तो खैर अभी मैंने अपना जितना भी मसला है वो सब उनको बता दिया था, क्योंकि मेरा इन पर काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा इलाज चल रहा है। मुझे एक्ने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्किन पर, और थोड़ा सी एक्जिमा भी हो जाता है स्किन के ऊपर, फेस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया है। यहाँ पर अम्मी को भी कुछ थोड़ा सा मसला हो रहा था, तो अम्मी ने कहा मैं भी डॉक्टर साहब से मशवरा कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने क्लिनिक से बाहर आए तो बच्चों ने डाल दिया रोना कि हमें जाना है चंकी मंकी, मोस्ट फेवरेट बच्चों की प्लेस, जब भी वो अपनी नानी के घर आते हैं। तो खैर हम लोग हॉस्पिटल से सीधा यहीं पर आ गए, बच्चों को चंकी मंकी लेकर यहाँ पर थोड़े से इन लोगों को राइड्स वगैरह दिलवाई, बच्चों ने थोड़ा सा इंजॉय किया, थोड़ा सा खाया पिया। जितने मतलब ये वाला तो चंकी मंकी जो है ना, मतलब हम लोगों का ऐसा बन गया है कि तकरीबन जब भी नान के घर आते हैं यहाँ मस्त है जाना, कभी भी आएँ किसी के साथ भी आएँ, लेकिन चंकी मंकी आना जो वो है मस्त। तो यहाँ पर अभी ये लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे थे, अपनी राइड्स ले रहे थे। तो आप लोग तब तक फुल व्लॉग वॉच करें, आप लोग को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बड़ी मेहनत से मैं ये वीडियो बनाती हूँ, तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें, ताकि मेरे और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएँ, मुझे अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलें, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। प्लीज़ मेरे चैनल के लिए दुआ करें कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो जाएँ, ताकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन की तरफ चला जाए। और आप भी अपनी बहन को जो है वो एक अच्छा व्लॉगर बनाएं, और इसी तरीके का अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूँगी फैमिली व्लॉगिंग का। तो चलें जी वीडियो को फुल वॉच करें। चलिए यहाँ पर हो गया था अब नेक्स्ट डे, और अब हम लोगों को जाना था मेरी कज़िन की शादी पर, फ्रेंड्स की शादी जो थी, फ्रेंड की जो शादी थी और मेहंदी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म हो गई थी। तो अब यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अपनी कज़िन की वेडिंग पर। तो खैर अभी देखें बच्चे जो हैं रेडी हो गए थे, आयशा को बिल्कुल रेडी कर दिया था, आयशा की फ्रेंड को भी मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी कर दिया था, आयशा की फ्रेंड आई हुई थी उसको भी जा रही थी हमारे साथ शादी में, तो उसको भी यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर दिया था। और अब बस हम लोग जो हैं वो चलते हैं डायरेक्ट वेन्यू पर, क्योंकि काफ़ी हम लोगों को देर हो गई थी यहाँ पर। अभी हम लोग जो हैं वो गाड़ी वगैरह में बैठ गए थे सब ने, हम लोगों को पहले जाना था दुल्हे के घर, क्योंकि वहाँ पे सहरा बंदी की रस्म हो रही थी, तो हम लोग जल्दी निकल गए थे, मेरी बहन वगैरह जो है वो बाद में आएगी। तो यहाँ से अभी हम लोग निकले, हम लोग पहले उनके घर गए पर उनको घर का मैं व्लॉग नहीं बना पाई, वहाँ गए, उसके बाद फिर हम लोग जो हैं जी
सीधा हॉल पहुंच गए और बहुत इंजॉय किया। बहुत ही मज़ेदार शादी थी। शादी जो थी वो थी एकास्किया बैंक्वेट में। तो अभी हम लोग सीधा वहां जाते हैं और फिर मैं आप लोगों को वहां पे सारा हॉल भी दिखाती हूं और आगे की सब दिखाती हूं, ठीक है। जी अभी हम लोग जो है वो पहुंच गए थे बैंक्वेट, ये है जी एकास्किया बैंक्वेट। अब यहाँ आकर ना हम लोगों की हो गई थी यादें ताज़ा, क्योंकि इसी बैंक्वेट में मेरी बहन की भी शादी हुई थी एक डेढ़ साल पहले। तो ये बैंक्वेट बहुत अच्छा है। ये शहर फैसल पर है एकास्किया, सॉरी ये एकास्किया है, इसका इस बैंक्वेट का नाम है एकास्किया और ये शहर फैसल पर है। इस बैंक्वेट का एम्बियंस और इसका लुक बहुत ही प्यारा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग अपने जो हैं वो फंक्शंस यहाँ अरेंज करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ पर आएं और ट्राई करें। इसका जो है वो एड्रेस मैंने आपको बता दिया कि शरा फैसल पर है। इसमें अच्छा खासे मतलब लोगों की स्पेस है बैठने की और इधर की अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त होती है। हमने अपनी बहन की जो है वो शादी की थी, इतने सारे मेहमान थे, यकीन करें आप लोग, दूल्हे की तरफ से और हम लोगों की तरफ से भी। तो बहुत अच्छी तरीके से इस बैंक्वेट में अरेंज हो जाता है। मतलब ज़्यादा अगर जिनके तकरीबन 1000-1500 लोग हैं, तब वो भी इस बैंक्वेट में आराम से आ सकते हैं। ये इतना अच्छा और इतना स्पेशियस बना हुआ है। तो जी आप लोग अब देखें, इस व्लॉग को फुल वॉच करें, बहुत ज़बरदस्त से वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खैर जी यहाँ पर जो है वो भी हम लोग थोड़े से रिफ़्रेशमेंट ले रहे थे। इसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप वगैरह था और फिर हम लोग सब पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। मेरी बहन भी पहुँच गई थी और बहुत मज़ा आ रहा था अभी हम लोगों को। हम लोगों ने फैमिली पिक्चर्स बनाई, बहुत सारी बातें करी, क्योंकि ऐसे ही मौके होते हैं जहाँ पर सारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक साथ मिलते हैं शादियों के इवेंट्स में। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, कॉमेंट करके बताएँ कि आप लोगों को ये व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलें जी आऊँगी अब एक और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
All right.